फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डे 3। आज हम जाएंगे टाइगर हिल मॉनेस्ट्री, दार्जिलिंग जू, चर्च, उसके बाद गुवाहाटी। आओ अपना डे 3 स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा अभी सुबह नहीं हुई है, पर अभी सुबह हो चुकी है क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं। तो आपको सोच रहे होंगे मैं 4 बजे क्यों उठ रही हूँ, क्योंकि मैं टाइगर हिल से आ रही हूँ। वहाँ पे ना सनराइज अच्छा दिखता है और ब्यूटीफुल नेचर है, तो वहाँ पे अभी 4 बजे जाना था क्योंकि बाद में यहाँ पे सनराइज हो जाता है। टाइगर हिल पे चढ़ हालत खराब है, चढ़ चढ़ के बिगो कहाँ बैठा है। दीदी समझ रही है इस समय शैतान को शांत रखना। यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं टाइगर हिल बटाने। यहाँ से सनराइज होगा, देखो अभी सन उग रहा है यहाँ से, और यहाँ से हमें कंचनजंगा माउंटेन दिखेगा। अभी 5:30 हो चुका है और हमें थोड़ा थोड़ा कंचनजंगा माउंटेन दिख रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए आप वुलन क्लोथ्स पहन के आओ। जैसे जैसे सनराइज हो रहा है, यहाँ का व्यू बहुत सुंदर पे सुंदर, सुंदर पे सुंदर होता जा रहा है। फ्रेंड्स, इतनी सुबह तो मैं कभी नहीं उठी जितना इस स्टेप पे उठी। अब देखो कितना सुंदर व्यू है। अब मुझे पता चला पापा हमेशा क्यों कहते हैं कि जल्दी उठो जल्दी उठो। उधर तो देखो स्काई ऑरेंज कलर का हो गया है यहाँ पे तो। फाइनली अब सनराइज हो चुका है, हमें सारी चीजें क्लियरली दिख रही है। ये व्यू पॉइंट इतना फेमस है, आप देख सकते हो कितने सारा भीड़ है। हम अपने कंफर्ट के लिए एक स्लीपिंग बैग के भी लाए थे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। सन की पहली रे कंचनजंगा माउंटेन की पीक पे गिरती है और ये पीक गोल्डन क्राउन की तरह चमक रहा है, ये देखिए। यहाँ से जाने का मन तो नहीं करना, पर हमें और जगह पे भी जाना है। यहाँ पे हनुमान जी और एक देवी माता का मंदिर है। ये सिंचेल मंदिर है। दार्जिलिंग में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। अब हम घूम मनुष्य आ गए हैं। यहाँ पे बुद्धा जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। Namo 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 Namo
मुझे बहुत मजा आ गया। हमें चाहिए जाना डुम डुम। फिर से मेरी बहन कुछ कह रही है। अब आपको मतलब तो समझ में नहीं आया होगा, मैं बताती हूँ। ये कह रही है अभी हमें पार्क में मजा आ गया, अभी हम ट्रेन में जाएंगे डुम डुम। अभी हम जू आ गए हैं। ये देखो, ये है जू का मैप। देखो कितना बड़ा है। यहाँ से हमारा रास्ता शुरू होता है। आइए चलो चलते हैं। यहाँ पे देखो रास्ते और एरोस बने हुए हैं ताकि हम एनिमल्स को देख सके। वाह, हमें अपना पहला एनिमल मिल गया, वो है ब्लैक बियर। अरे किधर है, किधर है? अच्छा वो रहा, ये लकड़ी सा जो है इसके ऊपर बैठा हुआ है। ओह ये तो थार है। वाह, यहाँ पे इस जू में ऐसे ऐसे एनिमल्स हैं जो मैंने कभी नहीं देखे। ये मां खोर है, ये भी मैंने कभी नहीं देखा। हाँ? घास खा रहा है। चलो विग्गो, हमने चलो एरो कहाँ जा रहे हैं? ओह ये तो टाइगर है और पूरे फेस के सामने खड़ा हुआ है मेरे। कौन है? कौन है? भूती? लेपर्ड? अन्ना देख लेपर्ड। सुबह मॉर्निंग वॉक, योगा, धूप। ऐसे कैसे कैसे चलता है वो ऐसे ऐसे करके? बहुत बढ़िया, चलो आओ। ये तो मुर्गा है और कितनी तेज से चल रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। अब ये क्या चीज है यहाँ पे? ओ यहाँ पे भी मुर्गा है। ओ एक और मुर्गा, फिर से। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिफरेंट टाइप का मुर्गा है। अब आ गया शेर की जाति का ब्लैक पैंथर। टाइगर, ये टाइगर से। कितना क्यूट सा वुल्फ है ये। दो वुल्फ से डॉगी की तरह है। अब यहाँ पे रास्ता बन रखा है इनका कि इधर जाओ या फिर इधर जाओ या फिर अपने घर के अंदर ही रहो। ओ कैसे खेल रहा है ये, कितना क्यूट है ये। ये भी बहुत यूनिक है, मैंने बहुत सुना है इसके चर्चे। अब तो अपनी रियल रेड पांडा अपनी आंखों से देख रही हूँ। फिशेस मेरे बहुत फेवरेट है, मेरी बहन की और मेरी। यहाँ पे तो बहुत छोटी छोटी सी भी फिशेस हैं। आओ देखो, बहुत मजा आने वाला है।
चीज को देखने के लिए। काट लिया उंगली लगा ली सही में। ये कितनी सुंदर है। ये कितनी छोटी है। अरे छोटा फिश। वो भाग ही गई इसकी आवाज सुन के। ओ हमारा इंडिया का नेशनल बर्ड पीकॉक। ओ जू में तो हमें बहुत मजा आया। अब हम जाते हैं चर्च। चलती रहती है तो अभी भी चलती है। गुफा में तो मुझे हमेशा मजा आता है। जब भी कोई भी मंदिर की या फिर कोई भी गुफा देख लो, पापा मुझे गुफा में जाना है। ओह ये तो इतनी लंबी गुफा है, बहुत मजा आ रहा है। पता नहीं कहाँ रुकेगी और मजा आने वाला है। फाइनली हमें माता के दर्शन हो चुके हैं। ये ओ अब इट्स टाइम टू गो बैक। गुफा खत्म हो गई। कोई बात नहीं पर बहुत मजा आया। ये महाकाल मंदिर मॉल रोड के बहुत पास है। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में दार्जिलिंग के बारे में बताया था। सब आते हैं जो भी आता है, पर कभी कभी इस मंदिर को मिस कर जाता है। पर मैंने इसे कवर किया है ताकि आप भी आए और मिस ना करें। चलो अब एंट्री भी ले लेते हैं मंदिर में। कितना सुंदर है, क्या सजावट की है। वाओ भाई वाह। अगर मैं कोई भी घंटी नहीं बजा पाती हूँ तो पापा है ना यहाँ पे। मजा आने वाला है आज तो। महाकाल जी के मंदिर में आने से पहले बहुत छोटे छोटे से मंदिर और हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम मेन मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तभी तो त्रिशूल लगाए। ओ इतने सारे दिए। ये है मेन महाकाल। देखो आपको छोटे छोटे से शिवलिंग तो दिख ही रहे होंगे। फाइनली हमारा दार्जिलिंग का ट्रिप खत्म होता है। अब हम जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन। वहां से हम गुवाहाटी के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी जाओगे कार से तो फिर आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। दार्जिलिंग से जाने का मन तो नहीं कर रहा,
पर दार्जिलिंग जब हम जा रहे हैं तब भी दार्जिलिंग हमें इतना ब्यूटीफुल से व्यूज दिखा रहा है, अपनी ग्रीनरी दिखा रहा है। आपने कभी ना कभी तो बादल देखे ही होंगे, पर यहाँ के तो बादल देखो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब देखो पहाड़ों के ऊपर भी कुछ बादल घूम रहे हैं। हम जाएंगे गुवाहाटी से, अब जाएंगे शिलांग, और इसको खाते खाते भी खेलेंगे। मैं भी खाऊंगी। तो अभी तो खाएगा मैंने अपना।